वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं रवि यादव सर आज आपको करंट अफेयर के सेशन में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सीड। आप सब ने सुना होगा सुर्खियों में रहा सीड, SSEED, सीड। सीड माने यूं तो कहिए कि बीज होता है, सीड माने मीन्स क्या होता है, बीज होता है, लेकिन यहाँ पर सीड एक अभियान है, एक योजना। सीड क्या है? योजना। सीड क्या है? सीड क्या है? सीड क्या है? हमें सीड को पढ़ना है। तो सीड पढ़ने के लिए अभी हाल ही में सुर्खियों में कि सीड क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कभी कभी ट्रेन में देखा होगा कि ट्रेन में कुछ लोग होते हैं जो गा बजा करके मांगते हैं। आपने नुक्कड़ों पे देखा होगा जो नुक्कड़ों पर सपेरे होते हैं, मदारी होते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कुछ तो पता होना चाहिए इनके, क्या आइडेंटिफाई है। ये भारत के अंदर आपको जगह जगह पर दिखाई देगा, मदारी, सपेरे, घुमंतू लोग, ये इस तरह के जीवन यापन करने वाले लोग, इनकी कहानी क्या है और इनको क्या क्या अधिकार मिले और कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी से संबंधित ये योजना है जिसका नाम है सीड। सीड तो सीड को देखते हैं, सीड क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ पीछे किधर की तरफ ले जाता हूँ, हिस्ट्री में। कहाँ? ब्रिटिश हिस्ट्री। जब भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उस समय पर एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम क्या था? आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या नाम था बेटा? आपराधिक जनजातीय अधिनियम। ये अधिनियम मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजों के समय में आया था। कब आया था? अंग्रेजों के समय में आया था। और अंग्रेजों के समय में किस समय आया था? 1871। इन लोगों ने क्या कहा इस अधिनियम के तहत कि लगभग 200 समुदाय, कितने समुदाय होते हैं? लगभग 200। एग्जैक्ट नहीं फिगर है इसकी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि लगभग 200 समुदाय। कितने समुदाय होता? लगभग 200 समुदाय को इन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति वाला माना। कौन सा माना? आपराधिक प्रवृत्ति वाला। तो इन्होंने कहा ये आपराधिक लोग। अब बताओ, भारत के ही लोगों को जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और उनको इन्होंने आपराधिक की श्रेणी में रख दिया, तो ये लोग क्या करें? जब आप जबरदस्ती किसी को आपराधिक श्रेणी में रखते हैं तो वो अपराध ना करे तो भी अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। इन लोगों के पास कुछ अपनी जमीन प्रॉपर्टी होती नहीं थी, तो ये लोग मांग करके बेच करके खाते थे, पुलिस से डरते थे हमेशा, इनको अलग अलग तरीके से यातनाएं भी दी जाती थी। और ऊपर से अब तो इसलिए अधिनियम भी बना दिया और आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। लेकिन देखिए कोई बात नहीं, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इस बात पर भी ध्यान गया हमारे लिए, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ये लोग जो आपराधिक लोग बताए जा रहे हैं, ये क्यों बताए जा रहे हैं, क्या है, क्यों ऐसा है। तो इन्होंने अपराधी इन लोगों के लिए 1952 में ये अधिनियम हटा दिया। और इन लोगों को अब अधिकार देने की बात हुई, इनसे कहा गया कि आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी डरे हुए थे, इनका आपराधिक शब्द तो इनसे हटा दिया, लेकिन ये फिर भी डरे हुए थे, ये क्या करते? तो ये दो तरीके से थे, पुलिस से डरते थे। कौन लोग? ये लोग पुलिस से भी डरते थे। जब ये पुलिस से डरते थे, तो ये क्या करते थे, ये जगह जगह अपना आवास बदलते रहते थे। क्या बदलते रहते थे? आवास, इधर से उधर चले जाते, उधर उधर चले जाते, इसलिए इनको घुमंतू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमंतू। क्या कहा जाता है? घुमंतू। क्या कहा जाता है? घुमंतू। इन्हें घुमंतू भी कहा जाता है। अब ये घुमंतू हो गए। एक दूसरी वजह ये भी कहा जाता है कि ये लोग चरवाहा भी थे। ये लोग चरवाहा थे, अपने पशुओं को चराते थे, जब कहीं पर घास खत्म हो जाती थी तो दूसरी जगह चले जाते थे, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा कहा गया कि ये लोग ऐसा करते थे, घुमंतू जीवन होते हैं। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं कि भाई अब ये सीड चर्चा में क्यों है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं
कि इस वर्ष 5 मार्च पाँच मार्च 2022 को हमारा जो सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग है उसने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक योजना लाते हैं और इस योजना का नाम रखा सीड DNTS है ना सीड। अब इस सीड योजना लाए और सीड योजना की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। अब ये सीड है ठीक, और ये सीड 5 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया है। कब किया गया बेटा? अगर सॉरी ये 5 मार्च नहीं है, 16 फरवरी है। कब है बेटा? 16 फरवरी है। क्या है? 16 फरवरी। ये क्या है? 16 फरवरी 2022 को ये सीड योजना क्या होगी बेटा? प्रारंभ। अच्छा, फुल फॉर्म इससे आपकी पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म है इसकी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट DNTS। अब इसमें एक शब्द आता है DNTS, क्या है इसमें आ गया है DNTS क्या है? तो डी नोटिफाई और सेमी नोटिफाई। ऐसे लोग जिन्हें डी नोटिफाई किया गया और सेमी नोटिफाई किया गया, इन लगभग 200 समुदाय के लोग थे, इनको डी नोटिफाई नोटिफाई और ये किया गया। अब ये स्कीम किसके लिए चला दी गई? सीड योजना किन उन 200 समुदाय के लोगों के लिए चलाई गई। तो इस योजना में ऐसा क्या करने वाली है, इस योजना में ऐसा सरकार क्या करने वाली है, इन लोगों के लिए ऐसा विशेष क्या ला रही है? तो उसके लिए हम आप देखते हैं चार बिंदु क्या है, उद्देश्य है इस योजना के, इसके हम एम्स देखते हैं। इस एम्स क्या है इस योजना के? एम्स है आपके नंबर एक, एम्स है इसमें नंबर एक है कोचिंग प्रोग्राम। क्या चीज है? कोचिंग कोचिंग प्रोग्राम। क्या चीज? कोचिंग। अब कोचिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसकी? जैसे IAS की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग। किसकी कोचिंग बेटा? मेडिकल के लिए भी है और इंजीनियरिंग के लिए भी है। किसके लिए है? इंजीनियरिंग के लिए भी है। अगर इस समुदाय से जुड़े हुए बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो कोचिंग ले सकते हैं। किसके माध्यम से कोचिंग ले सकते हैं? इस योजना के माध्यम से। अब दूसरी बात क्या है इसी योजना में? दूसरी चीज़ एक हो रही है, दूसरी चीज़ है आपका पीएम आवास योजना। इन लोगों को आवास प्रदान की है आवास योजना के तहत या उसके अकॉर्डिंग टू पीएम आवास योजना इनको आवास दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। तीसरा है इनका पीएम जन आरोग्य योजना। इसके तहत इनका आयुष्मान कार्ड बनेगा और ये इनको लाभ दिया जाएगा। फोर पॉइंट है आपका इसमें, इनके लिए आजीविका की पहल की जाएगी। किसकी पहल की जाएगी? आजीविका पहल की जाएगी। इन समुदाय के लिए आजीविका की पहल की जाएगी, अर्थात इनके लिए नए नए काम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये चार चीज़ और सरकार इन चारों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी बेटा? सरकार, केंद्र सरकार ये काम करने जा रही है। अब आप देखिए 200 करोड़ रुपया क्या इन लोगों तक पहुंचता है? भारत का दुर्भाग्य तो यही है। अब ये सोचिए
एक अच्छे वर्ग का एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता, तो एक इस समुदाय के व्यक्ति जो पुलिस से डरता हो, जो आम लोगों से डरता हो, जो घुमंतु जीवन व्यतीत करता हो, क्या उसको ये लाभ मिलेंगे? अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ये योजना कितनी लागू होती है, ये योजना कितनी लागू होती है। पेपर स्तर पर तो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है लोगों का विकास करने के लिए, बच्चों का विकास करने के लिए, और ये बढ़िया योजना है, इसलिए हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये बस ये दुआ करते हैं कि ये जनसंपर्क तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक ये जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचे। आज के सत्र में इतना ही, और कल फिर हम आपको किसी नए टॉपिक को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।